एसकेपी 7 न्यूज वैशाली। वैशाली के राघोपुर में उफनती गंगा नदी में यात्री से भरा नाव पलट गया। नाव में सवार 20 यात्री बाल बाल बच गए। नाव में चोकर और किराना का सामान भी लोड था। सामान तकरीबन 4 लाख से ऊपर का लोड था। बताया जाता है कि नाव कच्ची दरगाह से चोकर और 20 यात्री को लेकर रुस्तमपुर की ओर जा रहा था, तभी नाव रुस्तमपुर गंगा घाट पर पहुंचने से पहले 50 फीट की दूरी पर डूबने लगा। नाव को डूबते देख उस पर सवार सभी यात्री गंगा नदी में छलांग लगाते हुए अपना जान बचाया, मगर नाव पर लोड 4 लाख के कीमत का चोकर और लाखों रुपए का किराना सामान डूब गया। नाव पर व्यवसायी और यात्री सवार थे, जो पटना से सामान खरीद कर राघोपुर नाव से आ रहे थे। बताया जाता है कि नाव में अचानक पानी घुस जाने के कारण यह हादसा हुआ है। रुस्तमपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि नाव पर सवार सभी यात्री सुरक्षित है। नाव जहां डूबा है वहां पानी कम था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा टल गया।